हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू निशाज वर्ल्ड। आज दीपावली है तो मेरी किचन में बन रहा है कलाकंद। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब फैमिली को और आप सभी को हैप्पी दिवाली। मैंने कलाकंद के लिए यहाँ पर 1 किलो दूध लिया है, जिसको मैंने पहले ही उबालने रख दिया था। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, जिसको मैंने ग्रेट करके रख दिया। और मिल्क मेड से बनाएंगे। मिल्क मेड मैंने यहाँ पर सिर्फ 200 ग्राम लिया है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इलायची पाउडर है और थोड़ा सा घी है। कलाकंद को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर केक का मेरा एक बर्तन है, जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर दूध जो था बहुत देर से उबालने रख दिया है। दूध आधा हो गया है, अभी हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर आप घर में भी बना सकते हैं दूध को थोड़ा सा विनेगर वगैरह डालकर, पर मैंने पनीर ही डायरेक्ट लिया है और उसको ग्रेट कर लिया। अब हम इसको इसके साथ पकाएंगे। और यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर का डालूंगी। अब इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। और ये सब हम मीडियम हाई फ्लेम पर ही करेंगे। यस फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि ये पनीर और दूध एकदम मिक्स हो गया है और कितना दानेदार, जितना मुझे चाहिए उतना दानेदार बन रहा है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने मिल्क मेड निकाल के रखा था, मैं उसको पूरा नहीं डालूँगी। 200 ग्राम निकाल के रखा था, पर मैंने इसको 100 ग्राम के करीब, क्योंकि बहुत मीठा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग चख ज़रूर लें फ्रेंड्स। और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर थोड़ा घी भी डालूँगी, 2 टीस्पून। अब हम इसको बिल्कुल ड्राई होने तक पकाएंगे, जिससे हमारे घी डाला है, थोड़ा दूध में से भी निकला है घी, इसलिए मैंने थोड़ा घी डाला है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी भुन जाएंगे घी में। वेट करते हैं। यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम सूख रहा है, ऑलमोस्ट सूख गया। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ग्रीस करेंगे बर्तन में तो हमेशा घी और बटर से करें, क्योंकि वो बाइंड करने में हमें हेल्प करता है कलाकंद को। और तेल से ना करें प्लीज़। स्विच ऑफ द फ्लेम। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम इस डब्बे में, स्क्वायर डब्बा मेरे पास इतना ही बड़ा था। अब हमने इसको ऐसे सेट कर दिया और हम जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता तब तक हम इसको बाहर ही रखेंगे और उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे। यस फ्रेंड्स, ये अच्छा ठंडा हो गया है। मैंने इसे काफ़ी देर तक बाहर रखा, जब ये रूम टेम्परेचर पर हो गया तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब हम इसको उल्टा करके देखते हैं। यस, अच्छा जम गया है। ये वैसे सॉफ्ट ही रहता है। यस, अब हम इसको काटते हैं। यस फ्रेंड्स, कलाकंद एकदम रेडी है। बहुत ही पेशेंस के साथ इसको बनाइए, बहुत मज़ेदार बनता है। प्यार से बनाइए और घर में सबको खिलाइए। आज दिवाली है तो मज़ा आ जाएगा इसको खाकर। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।